आज हम बात करने वाले हैं यू मुम्बा ने किस किस खिलाड़ी को रिटेन किया है इस सीजन के लिए, और बड़े बड़े प्लेयर्स को यहाँ पर बाहर भी किया है, बड़े बड़े प्लेयर्स को रिटेन भी किया है। तो हम बात करने वाले हैं उनकी, एक मैं पूरी लिस्ट की बात करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ मेरा फोन नंबर है 8769190749। कबड्डी से रिलेटेड हर अपडेट के लिए आप मेरे नंबर को सेव कर सकते हो और मेरे को व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हो ताकि आपका नंबर मैं सेव करूँ और हर कबड्डी की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। साथ ही कबड्डी प्रोडक्ट्स भी मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ, कबड्डी किट, जूते वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर किस किस खिलाड़ी को रिटेन किया है। लेकिन सबसे बड़े प्लेयर की यदि मैं बात करूं तो रिंकू शर्मा जो राइट कॉर्नर थे और वन ऑफ द बेस्ट राइट कॉर्नर थे इस प्रो कबड्डी सीजन के जो लास्ट वाला गया है, उनको रिटेन कर लिया गया है यू मुम्बा के द्वारा। यदि मैं बात करूं बड़े प्लेयर्स की लिस्ट में तो यहां पर सिर्फ एक रिंकू शर्मा ही है जो रिटेन किए गए। उसके यदि बात करूं मैं तो राहुल सेठपाल हैं जिनको रिटेन किया गया, जो एक राइट कॉर्नर है और ऑलराउंडर है उनकी टीम के लिए। ये एज ए NYP खेल रहे थे और NYP का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इनको भी रिटेन किया गया। उसके अलावा राहुल सेठपाल के अलावा प्रिंस हैं, उनको भी 2 साल के लिए रिटेन किया गया, ये भी NYP प्लेयर है। उसके अलावा शिवम है जो कि रेडर है, यूपी से बिलोंग करते हैं, इनको भी रिटेन किया गया यू मुंबई द्वारा क्योंकि ये NYP प्लेयर है। उसके अलावा कमलेश, तो ये 5 प्लेयर हैं, कमलेश हैं, ये भी NYP प्लेयर की कैटेगरी के अंदर है। ये वो 5 प्लेयर हैं जिनमें एक प्लेयर रिंकू शर्मा जिन्होंने पिछली बार बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया था, उनको रिटेन किया गया। बाकी NYP के थ्रू साइन थे बाकी के 4 प्लेयर, तो उनको NYP के थ्रू दूसरे साल भी मिलता मौका, तो ये वो भी रिटेन्ड है ये लगा लीजिए। तो ये वो 5 प्लेयर हैं जो रिटेन किए गए यू मुंबा के द्वारा। यदि मैं बात करूँ तो बड़े बड़े चेहरे जो रिलीज भी करे गए हैं, जैसे फजल अतराचली बहुत ज़्यादा अमाउंट उन्होंने ली जा रही थी, 1.5 करोड़ या 1.4 करोड़ के आसपास, 1.3 करोड़ के आसपास उनका चार्जेस थे, क्योंकि जब वो बिके थे उस टाइम पे 1 करोड़ कुछ इतने लाख के मिले, हर साल 10% फीस बढ़ती जाती है, तो 2 सीजन आप देख लीजिए कितनी बढ़ गई होगी। उसके अलावा अभिषेक जो मेन रेडर, वो भी अब की बार आपको ऑक्शन में दिखने वाले हैं, बहुत शानदार रेडर है लेकिन दिखेंगे अब की बार ऑक्शन में क्योंकि रिटेन नहीं किए गए। फिर बात करें अजीत के बारे में जो कि साउथ का प्लेयर है और बहुत शानदार रेडर है, लेकिन इस जो प्रो कबड्डी का सीजन है इसमें इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं होने के कारण इनको भी ऑक्शन में रखा गया है और मे बी FBM कार्ड के थ्रू इनमें से किसी ना किसी प्लेयर को रिटेन भी कर ले यू मुंबा। तो ये वो लिस्ट थी जो यू मुंबा ने रिटेन लिस्ट है और रिलीज प्लेयर की लिस्ट है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना तो मानता ही आपका। थैंक यू।